नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज क्रोशिया से ये स्टार बनाना सिखाऊंगी। छोटा स्मॉल स्टार कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो मैं वाइट कलर से सिखाती हूँ, वाइट कलर से सिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हमने बनानी है मैजिक चैन। ये बना ली है मैंने, मैजिक चैन बना ली। अब मैजिक चैन बनाने के बाद हमने लेनी है दो चैन लेनी है, एक दो, ये टोटल तीन चैन होगी। एक पहले ही बन जाती है तो तीन। फिर हम इस रिंग के अंदर 15 डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, एक दो तीन, इस तरीके से हम 15 डबल क्रोशे करेंगे। और मैंने लिया है 11 नंबर का क्रोशिया। ये मैंने कर दिया है टोटल 15 डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम ये जो छोटा वाला धागा है इसको इस तरीके से खींच लेंगे टाइट करके। अब हमने यहाँ पे इसको जोड़ देना है, ये फर्स्ट चैन में ऊपर, यहाँ पे जोड़ लेंगे हम इस तरीके से दो फंदे। पहले फंदे को इसके अंदर निकाल लेंगे, इसे कहते हैं जोड़ना। यहाँ पे जोड़ लिया ये। अब हमने 6 चैन लेनी है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये टोटल मैंने 6 चैन ले ली। 6 चैन लेने के बाद पहली चैन में हमने करना है सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से दो फंदों के अंदर से ये सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद करना है हाफ डबल, हाफ क्रोशिया करना है। इसके बाद ये घुमाया, फिर फंदे के अंदर से निकाला, तो ये तीन फंदे हो जाएंगे। तीनों फंदों के अंदर से निकालना है इस तरीके से। अब हमने तीन डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर बचे तीन फंदे, तो हम डबल क्रोशिया करेंगे, दो के अंदर से फिर दो के अंदर से। एक बार कर दिया हमने, दो बार डबल क्रोशिया, लास्ट फंदे में तीन बार डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया कर लिए। फिर हमने एक दो तीन, तीसरे फंदे में हमने यहाँ पर जोड़ देना है। ये तागा भी हम इसके साथ ले लेंगे, तीसरे फंदे में हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये बन गई हमारी एक पत्ती, ये एक बन गई। अब हमने फिर से एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो हमने पांच पत्तियाँ बनानी है टोटल। तो हम एक बना दी, इसी तरीके से हम तीन तीन में जोड़ेंगे और चार हम फिर हमने स्टार बनाने हैं चार पत्तियाँ, तो हम फिर से इसमें हाफ क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया किया सॉरी, फिर हाफ क्रोशिया किया, फिर डबल क्रोशिया करेंगे तीन फंदे में, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, तीसरी चैन में हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये दो पत्तियाँ बन गई है, इसी तरीके से तीन और बनानी है। ये मैंने पांचवी पत्ती बना ली। अब हम यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे ये लास्ट वाले फंदे में, एक दो तीन करके, तो ये टोटल पांच बना ली है। अब हम यहाँ से जोड़ते हुए जाएंगे, हर फंदे में हमने जोड़ना है इस तरीके से, ये हर फंदे में इधर साइड हमने ये फिर इसको इसी के अंदर ले लेना है, जोड़ते हुए जाना है हमने इस तरीके से। यहाँ पर भी जोड़ लेंगे हम, ये हर फंदे में एक एक फंदे में जोड़ना है हमने, कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है इस तरीके से। ये पूरी पत्ती में जोड़ लिया, यहाँ भी हर फंदे में जोड़ना है, तो यहाँ पर भी फंदा था एक, यहाँ पर भी जोड़ लिया। अब हम ये दूसरी पत्ती जोड़ेंगे इस तरीके से, अब इधर साइड जोड़ेंगे हर फंदे में,
इधर पे भी जोड़ लेंगे। ये मैंने जोड़ लिया, अब इधर साइड भी जोड़ना है। तीसरी पत्ती भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। ये इस तरीके से हमने सारी जोड़ते हुए यहाँ से यहाँ पर तक जोड़नी है। ये मैंने पांचों पत्तियाँ जोड़ ली है इस तरीके से। अब हम ये तागा कट कर लेंगे, फिर इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब हमने ये तागा सुई से छिपा लेना है। ये तागा मैंने छिपा लिया है, तो ये स्टार बन के कम्प्लीट हो गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टार आपको कैसा लगा। थैंक यू।